आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग जो है यूएई के अंदर पुलिस क्लीयरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस क्लीयरेंस का जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए कैसे आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से। पूरी वीडियो को मुकम्मल तफसील के साथ देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं, तो कोई भी एक स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो तरफ चलते हैं। वीडियो तरफ जाने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं ट्रस्टिंग चैनल ऑफ कश्मीरी। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मजीद इस तरह की नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, चेक करते हैं कैसे हम जो है पुलिस क्लीयरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितनी फीस हमने यहाँ पर पे करनी है। पूरा तरीका कार चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर जाकर मैं आपको समझाता हूँ। प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जो है MOIUAE ये वाली एप्लीकेशन है जो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसको ओपन करना है। लेकिन ओपन करने से पहले आपके पास आपका जो है यूएई पास का अकाउंट बना होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि यूएई पास का अकाउंट कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से जाकर आप जो है डाउनलोड करके मेरी वीडियो देख कर आपने यूएई पास का अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर नीचे तीन लैंग्वेज आ रही हैं आपके सामने, उर्दू, इंग्लिश, अरबी। जो भी आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा तो आपने अलाउ अलाउ कर देना है। मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है यूएई पास से अपना जो है लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे यूएई पास के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग अपने यूएई पास के ऊपर चले जाएंगे। वहाँ पर कन्फर्म करके आपका जो यूएई पास का पिन है वो आपने लगाना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेगी। लोडिंग लेने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। जैसे आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर नीचे आपको सर्विस का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सर्विस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने करना है कि यहाँ पर पुलिस सर्विस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है इशू ऑफ अ क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर अगर आपकी कोई पहले रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर शो हो जाएगी, अगर नहीं है तो आपने करना है कि यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पर जो है इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी कुछ डिटेल वगैरह देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देख लेना है कि आपका मोबाइल नंबर सही है। उसके बाद आपने अपना ई मेल देख लेना है, आपका ई मेल भी सही है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है प्रपोज ऑफ यूज़ किस के लिए आपको चाहिए वो यहाँ पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आपको इनसाइड यूएई के लिए चाहिए तो यहाँ पर आपने इनसाइड कर लेना है। अगर आउटसाइड यूएई के लिए चाहिए तो यहाँ पर आपने आउटसाइड सेलेक्ट कर लेना है। मुझे इनसाइड के लिए चाहिए तो मैं यहाँ से इनसाइड सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट के लिए आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किसके लिए चाहिए, अबू धाबी, शारजा, अजमान, उमरकमी, रैसल खेमा, फुजीरा, जिसके लिए भी चाहिए वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद रीज़न आपने सेलेक्ट कर लेना है कि किसके लिए चाहिए, यहाँ पर क्लिक करना है। तो मुझे वर्क के लिए चाहिए, मैं वर्क कर लेता हूँ। आपको किस रीज़न के लिए चाहिए वो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है तो लैंग्वेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अरबी में चाहिए तो आपने यहाँ पर अरबी सेलेक्ट कर लेना है। मुझे इंग्लिश में चाहिए तो इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। मैं यहाँ पर ABC लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर डिलीवरी मेथड है। ठीक है, अगर आपको बाय पोस्ट चाहिए, आपके एड्रेस के ऊपर चाहिए, तो आपने यहाँ पर EM पोस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने जो यहाँ पर ईमेल दिया था उस ईमेल के ऊपर आपको मिले तो आपने यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट करना है, उसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम करना है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 75% हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर इसकी पेमेंट करनी है। यहाँ पर आपकी फ़ीस आ जाएगी 50 दिरहम। आपने करना है कि आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करके अपनी कार्ड की डिटेल वगैरह देनी है। कार्ड की डिटेल देने के बाद आपकी जो जैसे पेमेंट करेंगे उसके अगर आपने ईमेल सेलेक्ट किया हुआ तो आपके ईमेल के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। अगर आपने बाय एड्रेस सेलेक्ट किया हो तो आपके एड्रेस के ऊपर जो है डिलीवर हो जाएगा। सो इस तरह आसानी के साथ जो है आप लोग जो है पुलिस क्लीयरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।